नमस्कार, आप देख रहे हैं रामकन्या न्यूज चैनल और मैं आपके साथ सोनालिका प्रजापति। विधानसभा चुनाव में अपने पति को जिताने के लिए पत्नियां भी चुनौती संभव में हर संभव प्रयास कर रही है और अपने पति को विजयश्री दिलाने के लिए पत्नियां भी जी जान जुटा रही है और रोजाना गांव गांव ढाणी ढाणी जाकर अपने पति के लिए वोट मांग रही है। चूल्हा चौका छोड़कर सुबह से रात तक कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर रघु शर्मा की पत्नी वीरा शर्मा और भाजपा प्रत्याशी शत्रुघ्न गौतम की पत्नी रजनी गौतम महिलाओं के बीच में जाकर वोट मांग रही है। जनसंपर्क के दौरान ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं मतदाताओं को चुन्नी ओढ़ाकर उनका स्वागत कर रही है। वहीं दूसरी ओर भाजपा प्रत्याशी रजनी गौतम बुजुर्ग महिलाओं के पैर छूकर आशीर्वाद ले रही है। वीरा शर्मा और रजनी गौतम अपने अपने पति को जिताने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर रघु शर्मा की पत्नी वीरा शर्मा रोजाना दर्जनों गांव का दौरा कर रही है और महिला मतदाताओं से गले मिलकर पैर छूकर अपने पति के लिए विकास के नाम पर वोट मांग रही है। वीरा शर्मा महिला कांग्रेस पदाधिकारियों के साथ सुबह से शाम तक गांवों में रहती है और अपने पति द्वारा गांव गांव ढाणी ढाणी में कराए गए विकास कार्य के दम पर वोट मांग रही है। महिलाओं का वीरा शर्मा को भारी समर्थन भी मिल रहा है जिसके चलते गांव में उनका जगह जगह स्वागत हो रहा है। युवा लड़कियां महिलाएं उनके साथ फोटो खिंचवा रही है। वीरा शर्मा ने सरवाड़ नगरपालिका अध्यक्ष छगन कंवर राठौड़ व महिला कांग्रेस अध्यक्ष और पार्षद रेणु गुजर के साथ घटियाली नाड़ी जसवंतपुरा नापाखेड़ा सरवाड़ शहर एवं जडाना गांव में डोर टू डोर जनसंपर्क कर कांग्रेस के पक्ष में वोट मांगे। वहीं दूसरी ओर भाजपा प्रत्याशी शत्रुघ्न गौतम की पत्नी रजनी गौतम भाजपा महिला पदाधिकारी के साथ ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में डोर टू डोर महिला मतदाताओं से जनसंपर्क कर अपने पति के लिए वोट मांग रही है। इस दौरान रजनी गौतम महिलाओं के साथ मीटिंग कर रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा महिलाओं के उत्थान के लिए शुरू की गई योजनाओं के बारे में जानकारी दे रही है। रजनी गौतम का जगह जगह महिलाओं द्वारा स्वागत किया जा रहा है। रजनी गौतम बुजुर्गों के पांव छूकर आशीर्वाद ले रही है और अपने पति की खूबियां बताते हुए पिछले कार्यकाल के बारे में जानकारी दे रही है। गत दिनों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसभा में रजनी गौतम ने अपने पति शत्रुघ्न गौतम के साथ मिलकर साधु संतों के पेड़ छूकर आशीर्वाद लिया। रजनी गौतम अपने पति को जिताने के लिए दिन रात मेहनत कर रही है।